तो राधे राधे सीताराम। सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। झारखंड टू ऑल इंडिया साइकिल यात्रा में स्वागत है। तो अभी मैं हूँ तिरुवनंतपुरम में हूँ और तब केरल के सबसे बड़ा जिला भी है। और आज मैं रुका हूँ आश्रम में, रुका था, आज मैं सुबह जा रहा हूँ यहाँ से। और आश्रम के नाम है भारत सेवा आश्रम। अगर आप भी आते हैं तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं और काफ़ी अच्छा आश्रम है। आप फैमिली के साथ रुक सकते हैं, आपको कम प्राइस में यहाँ रूम अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप कोई एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं या बीमार है कोई, तो यहाँ पर निशुल्क आप रुक सकते हैं। और ये रहा वो आश्रम, काफ़ी बड़ा आश्रम है। अभी ना अभी काम चल रहा है यहाँ पर और मैं रुका था इसके नीचे। मैं नीचे जाकर दिखा देता हूँ। और आज मैं जाने वाला हूँ कहाँ मुझे नहीं पता। और मुझे ना काफ़ी चीज़ लेना है क्योंकि इधर खाना खाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इधर थोड़ा सा मैं कैमरा में नहीं बोल सकता हूँ, बहुत प्रॉब्लम इधर खाना खाने के लिए, भेज तो मिलना ही मुश्किल है। और इसी चलते मैं गैस सिलेंडर, मेरे पास एक सिलेंडर बचा हुआ है और वो भी 3 से 4 दिन चलेगा, उसके बाद फिर मेरे पास सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा, खाना खाने में दिक्कत होगा। तो एक दुकान में देखा हूँ और शायद वहाँ मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर केरला से निकल जाऊंगा। और अगर कहीं रहने का व्यवस्था हो जाएगा कि 100 रुपया में वन डे, 200 रुपये वन डे, तो वहाँ 4-5 दिन रेस्ट करेंगे और ऑर्डर कर देंगे। और काफ़ी सामान लेना है तो देखते हैं क्या होता है। अगर भारत सेवा आश्रम आते हैं तो वन नाइट का एक रूम है, वन नाइट का आपको लग जाएगा 700 रुपया। अगर आप बीमार हैं या एग्ज़ाम लिखने का आए हैं या कोई काम है ऐसा, आपके पास पैसा नहीं है, तो गुरुजी से अपना प्रॉब्लम बताइएगा तो आप यहाँ फ्री में भी रह सकते हैं। और इधर ना इधर कपड़ा है मेरा। और आप पूरा फैमिली के साथ आते हैं तो एक रूम में 4 से 5 बेड रहता है और कितना बोले थे, 1400-1500 में बोले थे गुरुजी कितना लगता है। तो जाते जाते ये समय गुरुजी से मिलवा भी दूंगा। और इधर ना आसपास नारियल का ही पेड़ है और काफ़ी खूबसूरत प्लेस है। तो अपना मैं कपड़ा उठाता हूँ और सुबह के बज चुका है 10:15 हो चुका है, क्योंकि वीडियो में अभी पब्लिश कर चुका हूँ। दिखाता हूँ नीचे मैं कहाँ रुका था, काफ़ी अच्छा है। इधर ना इधर शौचालय है, स्नान करने का जगह है। यहाँ पर फैमिली पूरा रुके हुए हैं। अभी ये फैमिली थी, इसमें 4 से 5 बेड रहता है। यहाँ पर मैं सोया था, चार्जिंग हो चुका सारा काम। अब यहाँ से सिर्फ निकलते हैं और चलते हैं अपनी यात्रा की ओर। जब श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर से यहाँ से 4 किलोमीटर हाँ। तो अगर आप आते हैं तो इस आश्रम में आ सकते हैं और कम प्राइस में आपको हो जाएगा। और काफ़ी अच्छा आश्रम है, यहाँ पर बहुत लोग आते हैं हर समय। तो इसे बेड बॉय जो बेड रहता है वो फुल है। और ये है आश्रम भारत सेवा श्रम संघर्ष। और आसपास कुछ इस तरह है। तो अब निकलते हैं यहाँ से। गुरुजी गए हैं भोजन करने के लिए तो वेट नहीं करते क्योंकि काफ़ी धूप हो चुका है। ठीक है, आना बाय। तो निकल चुका हूँ अपनी यात्रा की ओर और मैं आज 9:30 बजे निकला था आश्रम से। और आज मैं कहाँ जाने वाला हूँ वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक स्थान पर जाने वाला हूँ वो तो आगे बताऊँगा ना। कैसे कंटिन्यू बना रहे हैं, आसपास ना काफ़ी अच्छा व्यू है। अभी मैं हाईवे पर चल रहा हूँ और मुझे कुछ सामान लेना है, मैं वही सामान लेने के जा रहा हूँ। और आश्रम से 20 किलोमीटर तो मैं साइकिल से जा रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट सामान है। तो आश्रम आप सभी कंटिन्यू बना रहे हैं, कौन सा सामान है, क्या चीज़ मैं ख़रीदने वाला हूँ वो तो दुकान में जाने के बाद ही पता चलेगा ना। तो बने रहें। और यहाँ ना सामने एक एयरपोर्ट है, अभी मैं अपना लाइफ में फर्स्ट टाइम में एयरपोर्ट देखा वो भी दूर से। और एक जहाज़ उड़ते हुए देखा वो भी काफ़ी बड़ा था, वो भी मैं फर्स्ट टाइम देखा, वो भी जहाज़ उड़ते हुए लैंड करते हुए नहीं देखा हूँ आज तक। भगवान जाने कब मैं देखने के लिए मौका मिलेगा सामने से। और काफ़ी मज़ा आया,
आश्रम के गुरु जी थे, मुझे खाने के लिए चूड़ा दिए हैं और बिस्किट दिए हैं और शक्कर दिए हैं और रात में मुरही दिए थे। बोले गुरु जी कि चूड़ा ले लो, क्योंकि रास्ते में अगर खाना नहीं मिलेगा तो फिर चूड़ा पानी में फुला कर खा लेना और चीनी और शक्कर मिलाकर। और गुरु जी काफ़ी अच्छे थे और मुझे काफ़ी प्यार मिला, शाम को खाना खिलाए और सुबह प्यार बहुत प्यार से विदा किए, तो गुरु जी का थैंक यू। और काफ़ी प्यार मिल रहा है जहाँ भी जा रहा हूँ ना, आश्रम हो या जहाँ भी साधु संत मिलते हैं, काफ़ी प्यार मिलता है हमको। मैं जिस काम के लिए आया था वो काम बना नहीं, क्योंकि दुकान है ना, दुकान बंद है आज, क्योंकि आज संडे है और पता नहीं था कि संडे के दिन दुकान बंद रहता है, तो आज निकलना पड़ेगा। हो माय गॉड, हिंदी आता है क्या? हिंदी आता है। कहाँ से? असम का। असम? अरे असम से दो आदमी मिले, एक मिले थे उधर, कैसे दे रहे हैं? 50 का है वो, 40 का है। अच्छा, दोनों बराबर है। वो थोड़ा पानी ज़्यादा आता है, दो 50 का। दिन की तरह आज भी काफ़ी गर्मी है, इसलिए मैं नए पानी पी रहा हूँ। और ये भाई असम के हैं, काफ़ी अच्छा लगा असम वाले भाई से मिल गए। आपका नाम क्या हुआ? माइजुल हक। माइजुल हक। और आपका गांव कहाँ पर? असम पर। असम कहाँ? असम मंगलदेव डिस्ट्रिक्ट, दरंग डिस्ट्रिक्ट है ना। हाँ, उधर ही डिस्ट्रिक्ट। आपका गांव कहाँ है? हमारा झारखंड। झारखंड। कैसा लगा था? मस्त लगा। मस्त। चलो ओके। आज ना मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ उस रास्ते में अधिकतर क्रिश्चियन ज़्यादा रहते हैं, और बगल में समंदर है और आसपास गांव है। आज जब मैं साइकिल से जाता हूँ काफ़ी लोग देखते हैं कि क्या कर रहा है बंदा, कहाँ जा रहा है, हेलमेट पहन कर साइकिल से। बोलना कि इधर क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर देख सकते हैं क्रिश्चियन टेंपल। मुस्लिम और हिंदू का आबादी बहुत कम है, लेकिन केरला के बारे में बताएंगे जब केरला से निकल जाएंगे, क्योंकि अगर आप भी केरला ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट कुछ दूंगा, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा, केरला से निकलने के बाद ही बोलूंगा। और काफ़ी ख़तरनाक लहरें आ रही है अब ना, ऊपर यहाँ तक दिखाई देता है। और जो समुंदर का पानी ना इधर बाएं तरफ उड़ कर आ रही है, इतना खतरनाक लहरें आ रहे हैं। बहुत खतरनाक लहरें है यहाँ का, क्योंकि स्पेस नहीं है ना, वो पत्थर से पानी रोक दिया गया है, इससे इस पत्थर से आगे नहीं आया, इसलिए और खतरनाक लहरें बनती है। और इधर आप बोटिंग कर सकते हैं, और यहाँ बोटिंग करने से मज़ा नहीं आएगा। हम एक प्लेस देखा हूँ कर केरल में, वहाँ जाएंगे तो वहाँ बोटिंग जरूर करेंगे एक बार, और वहाँ बहुत कुछ देखने के लिए भी मिलेगा, इसी चलते मैं वही करूँगा। और गांव के आसपास मछली मिल जाएगा सूखा हुआ, और इसी तरह सुखाते हैं जाल के अंदर। और मैं रुक कर वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि सब बोलेंगे इसलिए, और भाषा का भी पता नहीं है। और ऐसा जगह ट्रैवलिंग करने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि एक तो सेंट आएगा सड़ा सड़ा, प्रॉब्लम होता है बहुत। तो गाइस शाम को बज चुका 4:30 और मैं अभी खा रहा हूँ केला, क्योंकि रास्ते में कुछ मिला तो नहीं, और यहाँ मैं खाता भी नहीं कुछ जब तक मैं खुद अपने हाथों से ना बनाऊँ तब तक। तो मैं केला का तो मैं केला ही खा रहा हूँ, और एक केला पड़ा 7.5 रुपये का पड़ा, 20 रुपये में 3 पीस मिला, और काफ़ी अच्छा केला है, काफ़ी मीठा लग रहा खाने में, और थोड़ा सा अलग केला, ये दूसरा केला है केरल में, क्योंकि यहाँ अलग वर्जन का है, थोड़ा अलग स्वादिष्ट का मिलेगा। अनेक गाड़ी जा रही है और धूप से परेशान, और 4:30 बज चुका है तब पर भी धूप बहुत है, खतरनाक। अब पता नहीं आज कहाँ रुकूँगा, भगवान जाने। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ रूम में, और ये रहा रूम। सबसे पहले आप टाइम देख लीजिए, 8:43 हो चुका है, और मुझे रूम आइए लगभग आधा घंटा हो चुका है, और काफ़ी
खोजबीन करने के बाद यह रूम मिला है मुझे। और केरल में रहना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि पहला गर्मी और आप बिना पैसा के कहीं रह नहीं सकते क्योंकि यहाँ टेम्पल भी नहीं है, ना धर्मशाला है, कुछ भी नहीं है क्योंकि भाषा भी नहीं जानते और काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं सुबह से कुछ खाया नहीं था इसलिए मैं चावल बना रहा हूँ और मेरे पास एक टैंक गैस बचा हुआ है। अरे चार दिन चलेगा, चार दिन के बाद ख़त्म। तो देखते हैं, अगर आप सभी का आशीर्वाद रहा तो कहीं टैंक मिल जाएगा तो ले लेंगे। और केरल में, केरल के होटल में मैं क्यों नहीं खा रहा हूँ वो तो मैं केरल से निकलने के बाद बता दूँगा। और आप भी आइएगा तो थोड़ा सा सोच समझ के खाइएगा किसी होटल में। और ठीक है, और इस रूम क्यों नहीं आऊँ, किस लिए लिया हूँ, रेंट कितना है वो तो मैं सुबह बता दूँगा। और काफ़ी गर्मी है केरला में अभी इस टाइम। तो ठीक है, आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा बकवास कर रहा हूँ। एंड करता हूँ आज का वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर। एक चीज़, हाँ, मेरा आवाज़ थोड़ा सा कम आ रहा हुआ क्योंकि मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाया हूँ। खाया था अंगूर, अंगूर जी दिए थे, क्या बोलते हैं, चूड़ा और मुरही दिए थे, वही मैं खाया। बिस्किट दिए थे वो मैं खाया और कुछ भी नहीं खाया। इधर लिया था एमरजेंसी बनाने के लिए मैगी, तो मैं मैगी बहुत कम खाता हूँ। तीन चार दिन पहले लिया था लेकिन अभी तक खोला नहीं हूँ क्योंकि अगर चावल ना मिले तो, और मेरे पास चावल भी ख़त्म हो चुका है, चावल सुबह लेंगे। तो ठीक है, हम बकवास नहीं करते, मिलते हैं गुड मॉर्निंग में, मॉर्निंग में, मॉर्निंग, बाय बाय, लव यू।